फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज संडे है तो मैंने आज बालों में अपनी मेहंदी लगा ली है। साफ़ सफाई का काम मेरा हो चुका है, बस ये कपड़े धुल के नहाना है मुझे। लेकिन नहाने से पहले नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि नहाने में मुझे अभी थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे अभी वॉशरूम भी साफ़ करना है और फिर ये मेहंदी लगी हुई है बालों में, तो उसे धोने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए पहले नाश्ता बना दूँ, उसके बाद नहाऊंगी। कपड़े धुलने के बाद यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ नाश्ता बनाने। और मैं आज कुछ अलग बना रही हूँ जो कि हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है और बनाना भी आसान है। और इसके लिए मैंने दो बड़े साइज़ के आलू 4 टुकड़ों में काट के बॉईल किए थे, तो उनको मैंने मैश कर लिया है। और अब मैंने एक कढ़ाई में लगभग 1 गिलास पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। और इस गर्म पानी में ये लगभग 100 ग्राम सूजी है, इसे डाल करके अच्छे से चला लेते हैं ताकि सूजी ये सारा पानी ऑब्जर्व कर ले और अच्छे से पक जाए। और इसका ना बिल्कुल गाढ़ा घोल तैयार करना है, बिल्कुल हलवे की तरह। और अब मैं इसमें बारीक कटी हुई प्याज और ये मैश किए हुए आलू डालकर अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसके बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा जीरा, और ये पाव भाजी का 5 रुपए वाला पैकेट है, तो इसे मैं पूरा इसमें ऐड कर देती हूँ। वैसे हम इसमें सिंपल मसाले लाल मिर्च धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैंने पाव भाजी मसाला रात को ही मंगा लिया था, तो मैंने ऐड कर दिया है इसमें। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल दिया है। अब इस मसाले को मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और अब मैंने यहाँ पर एक छोटी थाली ली है और इसमें चारों तरफ घी लगा रही हूँ, क्योंकि इस मिश्रण को थाली में फैलाकर फ्रीज़र में रखना है जमने के लिए। और इसीलिए मैंने थाली में घी लगाया है ताकि ये बैटर यानी मिश्रण थाली में चिपके ना। तो ये देखिए, मैंने बैटर को थाली में अच्छे से सेट कर दिया है। और अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए, वही 20-25 मिनट के लिए फ्रीज़र में लगा दूँगी ताकि ये और अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ पर मैंने इस बैटर को 15 मिनट बाद ही फ्रीज़र से बाहर निकाल लिया है। और अब मैं नाइफ़ से इसके पीसेस काट लेती हूँ, जैसे बर्फ़ी वगैरह के काटते हैं। वैसे मैंने इस बैटर को फ्रीज़र में से जल्दी निकाल लिया है, कम से कम आधे घंटे तक तो इसे फ्रीज़र में रहना था, लेकिन मुझे जल्दी हो रही थी नहाने की, तो इसलिए मैंने इसे जल्दी निकाल लिया। और ये देखिए कितने अच्छे पीसेस कट रहे हैं इसके। तो ऐसे ही सारे पीसेस मैं नाइफ़ की हेल्प से आराम से निकाल लेती हूँ। इसके बाद मैं इन्हें ऑयल में सेकूँगी, और इन्हें बहुत ही नाक के बराबर ऑयल में सेकना है। ये देखिए, मैंने कढ़ाई गरम करके उसमें 1 चम्मच से भी कम ऑयल डाला है, और दूसरी गैस पर मैंने चाय भी बनने रख दी है साथ में। और अभी मैंने चाय के फ्राई पैन को दूसरी गैस पर रखकर इस छोटी गैस पर कढ़ाई रख दी है, क्योंकि ये अच्छे से काम करती है। और अभी मैं इस गरम ऑयल में ये 2-3 पीसेस जैसे आ जाएंगे उतने रख कर के सेक लेती हूँ। और हमें इनको दोनों तरफ से सेकना है। जब ये एक तरफ से अच्छे से सेक जाएंगे, फिर मैं इनको पलट कर दूसरी तरफ से भी सेक लूँगी। यहाँ पर मेरे ये पीसेस एक तरफ से अच्छे से सेक गए हैं, अब मैं इनको पलट कर दूसरी तरफ से ऐसे ही करारे करारे सेक लेती हूँ। और यहाँ पर हमारा नाश्ता रेडी हो गया है, आप इन्हें सूजी का टिक्का भी बोल सकते हैं। तो आ जाइए आप लोग भी नाश्ता करने। हेलो फ्रेंड्स, और ये देखिए मैं नहा करके आ गई हूँ, पूरी तरह से रेडी भी हो गई हूँ, साड़ी पहन के, हेयर कॉम करके। और आज ये देखिए मैंने कितने दिनों बाद यहाँ अपने रूम पर साड़ी पहनी है। आप लोग सोच रहे होंगे आज मैंने साड़ी क्यों पहनी है, वैसे तो डेली सूट पहनती हूँ, तो आज साड़ी पहनने का एक स्पेशल रीज़न है। आज ना मेरे घर पे कुछ गेस्ट आ रहे हैं ससुराल की साइड से, मेरे ननद नंदोई जी आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने आज ये साड़ी पहनी है। तो ये देखिए, आपको पूरा लुक दिखाती हूँ मैं अपना साड़ी का। तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही हूँ मैं इस ब्लू साड़ी में? चलिए, अच्छी लग रही होंगी, हैं? लग रही हूँ ना अच्छी? किचन में जाकर चाय नाश्ते की तैयारी कर लूँ, क्योंकि नाना नंदोई जी आने वाले हैं, ये लेने गए हैं, उनको यहाँ का रास्ता नहीं पता है,
ये बाहर से उनको लेने गए हैं। और यहाँ पर मेरी ननद नंदोई जी घर पर आ चुके हैं, तो मैं अभी उनके पैर छू करके उनका आशीर्वाद ले रही हूँ। और यहाँ पर मैं घूंघट किए हुए हूँ क्योंकि ये दोनों मुझसे उम्र और रिश्ते में काफ़ी बड़े हैं। और ये पिंक कलर की जैकेट पहने हैं, ये ननद जी की बेटी है, तो मैं इनके भी पैर छू रही हूँ क्योंकि ये मेरी भांजी हैं। और यहाँ पर मेरा चाय नाश्ता रेडी है, तो ट्रे में लगा करके सभी को दे आती हूँ मैं। और अभी यहाँ पर सभी चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते बात करते जा रहे हैं, और मैं भी यहीं पास में खड़ी होकर दीदी से बात कर रही हूँ। और अभी मैं यहाँ पर फिर से किचन में आ गई हूँ, दीदी जिया जी के लिए सूजी का हलवा बना रही हूँ। मैं तो खाना बनाने की सोच रही थी लेकिन दीदी जिया जी ने मना कर दिया, उन्हें अभी कहीं और भी जाना है काम से, इसलिए मैंने सोचा ला सूजी का हलवा ही बना दूं। सूजी भी भुनी हुई रखी है, खाली चाय नाश्ता करा के नहीं भेज सकती भाई, पहली बार आए हैं मेरे पास यहाँ पर, तो ऐसे तो नहीं भेज सकती, खाना भी खा नहीं रहे हैं, तो लाओ सूजी का हलवा ही बना दूँ। हलवा मेरा बनकर लगभग रेडी हो गया है, ऊपर से मैंने इसमें काजू हल्के से दरदरी कूट के डाल दिए हैं, और साथ में थोड़ी सी इलायची भी डाली है कूट के, और अब बस थोड़ा सा गोला और घिस करके डाल दूँ इसमें। यहाँ पे हलवा रेडी हो गया है, बस सभी को प्लेट में लगा कर दे आऊँ। सामने आपको किचन में दो बोरी रखी दिखाई दे रही होंगी, इनमें सब्जी भरी हुई है जो कि सुबह मंडी से लेकर के आए हैं। और मुझे ना अभी ये भी देखने का टाइम नहीं मिला कि ये क्या लेके आए हैं क्या नहीं लाए हैं, जब सारे काम से फ्री हो जाऊंगी तब आराम से बैठकर देखूंगी क्या लाए हैं कैसी लाए हैं। और हाँ, मैं आपको अपनी दीदी जिया जी से मिलाना तो भूल ही गई। तो फ्रेंड्स, ये मेरी जो ताई सास हैं उनकी सबसे बड़ी बेटी और दामाद हैं, और साथ में उनकी सबसे छोटी बेटी गुंजन है। दीदी जिया जी यहीं हाथरस के पास सादाबाद में रहते हैं, और ये आज हमें हमारी दौस देने आए हैं, और साथ में एक लड़का भी देखने आए हैं यहीं पास में ही। दौस वाले दिन हम लोग अपने घर पर, यानी मैं अपने ससुराल में थी, और दीदी उस दिन दौस पर नहीं आ पाई थी, तो इसलिए वो आज आ गई हैं मौका मिलते ही हमें हमारी दौस देने। और अभी दीदी जिया जी यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि उन्हें अभी यहाँ से कहीं और भी जाना है, तो मैं इनकी विदा कर दूँ। दीदी जिया जी के जाने के बाद मैं यहाँ सब्जी के काम में लग गई हूँ जो कि ये सुबह मंडी से लेकर के आए थे, और इतनी सब्जी ले आए हैं मंडी से, देखो जैसे कि ये दावत करेंगे, दो लोग रहते हैं, दो लोगों के लिए इतनी सब्जी लेके आए हैं। बताइए, 1 किलो गाजर, 1 किलो मूली, 1 किलो गोभी, टमाटर, शिमला मिर्च, आलू। ये बताओ यार, ये दो लोगों के लिए पूरी बारात के लिए लाए हो खाना? अरे तो खा भी जाओ, मटर छिल डालना, सब्जी बनाओ बढ़िया बढ़िया, वीआईपी सब्जी बनाओ। वीआईपी सब्जी कितनी बनाऊंगी मैं? खूब बना, रोज खाओ। इतनी गोभी, ये गाजर, ये मूली, दो लोग हैं यार, उसमें भी आप इतनी सब्जी ले आए हो, महीने भर के उठा के लेके आए हो क्या? अरे सप्ते के लिए यार, ये 1 हफ्ते के लिए दिख रही है आपको? हाँ, ये इसमें पूरा 1 महीना काम चल जाएगा। 1 महीना और क्या, ये दे मैं आलू हरे, मतलब बिना बीते आप कोई काम कर ही नहीं सकते हो। एक काम करो तुम लोग, हाँ, हाँ। मंडी तुम जाओ, मुझे ले ही नहीं जाते हो, मुझे लेके जाया करो ना, तो आपको ढंग की सब्जी दिला के लाया करूंगी, आप मुझे ले ही जाते हो, अकेले सब लेते हो, मुझे जरूरत पड़ती है असिस्टेंट की। अच्छा, मैं आपके असिस्टेंट बनके चलूंगी वहां पे, और काम में जाओगी तुम, असिस्टेंट समझ रखा है मुझे अपना। और फ्रेंड्स, अभी बच रहे हैं शाम के 6 और मैं जा रही हूँ किचन में खाने की तैयारी करने, लेकिन मैंने सोचा उससे पहले, किचन में जाने से पहले आपसे बात कर लूँ। और आज ना मौसम बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा है, बहुत ठंड पड़ रही है, वो गलन वाली ठंड होती है ना वैसी ठंड पड़ रही है। देखो, मैंने भी ना 2 स्वेटर पहन रखे, 1-2, और ये ऊपर से स्टॉल भी डाल रखी है, इतनी ठंड लग रही है वाकई में, बहुत ज़्यादा ठंड है। और ठंड क्या है यार, एक तो आज ना धूप बिल्कुल नहीं निकली है, वैसे डेली निकल आती है लेकिन आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है।
और पता है मैं तो आज ये और सोच रही थी कि आज संडे है, छुट्टी का दिन है, आराम से धूप में बैठूंगी और कपड़े भी धो लूंगी सारे, वो कपड़े भी मेरे धूप में सूख जाएंगे, लेकिन आज ही धूप नहीं निकली। डेली निकल रही है वैसे, इतने दिनों से डेली निकलती है धूप, लेकिन आज जब मेरी छुट्टी थी मुझे धूप में बैठने का मौका मिला तो आज ही धूप नहीं निकली। आप क्या कर सकते हैं, अब नहीं निकली तो नहीं निकली धूप। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने ज्यादा कपड़े नहीं धोए, बस अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म ही धोई थी और एक आधो कपड़े और धोए थे, ज्यादा नहीं धोए, वरना तो मेरा सारा काम खराब हो जाता आज तो। अब मैं अपने आज की इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, आपसे मिलेंगे जल्दी फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। लेकिन जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी फिर आपसे एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।